इस पूरे कांश कांड का? अब वो क्या बता रहे हैं उनको, तो मैंने कहा कि वो राजेंद्र बाबू का बेटा है, लेकिन लगता नहीं है। थोड़ा सा मैं उनको सद्बुद्धि दे उनको मैं कहूँगा, हमसे जूनियर है वो, और लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई जिससे है उसे लड़ना है, हमें आपस में क्या लड़ना है। इस वक्त की बड़ी खबर कैश कांड मामले में ईडी कार्यालय पहुंचे कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी। इरफान अंसारी ईडी ऑफिस पहुंचे हैं, ये तस्वीर देखिए। सर सर अंसारी बाहर 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 सर बाहर आइए 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 महोदय बाहर जी आज पहुंचे हैं सर, क्या कहेंगे? भाई भाई एक मिनट आइए। इरफान जी विधायक जी क्या? मैं जा रहा हूँ। मनीष भी आइए, लौटे दीजिए बाद आपको मैं उपस्थित जाऊंगा। बाहर निकल के बाहर निकल इरफान जी, इरफान जी, इरफान जी पिछले बार सर नहीं आ पाए थे सर, पिछले बार हम संबंध मिला था और आ रहा मैं लौट रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। साठ 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 अंदर आइए इरफान जी, इरफान जी बोलिए ड्राइवर को। इरफान जी आधार है और आप सब जानते हैं कि सामने सामने ऊपर 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 नहीं है, सरकार हमने बनाया है तो सरकार हम क्यों गिराएंगे। तो जो भी आरोप जिसने लगाया है मैं उनसे कहूंगा कि हम लोग नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो पे विश्वास करते हैं बहुत, और जिसने नफरत लगाया है हमारे परिजन को नफरत है, मैं उनसे भी कहूंगा अब ये काम छोड़ दीजिए। और जिस तरह की इन्होंने आरोप मुझ पर लगाया गया वो तो हाईकोर्ट ने कोर्ट साहब ने कहा, लेकिन आपके साथी विधायक तो आपको मास्टर माइंड बता रहे हैं इरफान जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा देखिए के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।